मैं संगीता मिश्रा वेलकिन नेशनल स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम व्यवहारिक सृजन पाठ्यक्रमांक 10 कब बुलबुल पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि कब बुलबुल के जो बच्चे हैं उनको किन नियमों का पालन करना पड़ता है और किस प्रकार से रहना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कब बुलबुल क्या है इस पाठ में बताया गया है हम देखेंगे। महाराष्ट्र राज्य में भारत स्काउट और गाइड्स की तरफ से पहली से चौथी कक्षा तक के लड़कों लड़कियों के लिए क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से बच्चों भारत स्काउट और गाइड्स की व्यवस्था स्काउट और गाइड अर्थात कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। इन पथकों को अपनाने वाले विद्यार्थियों जो ये जो पथक है इनमें जो बच्चे शामिल होते हैं उन विद्यार्थियों को यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने कब बुलबुल के नियम मानने तथा प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इसमें जो कब बुलबुल में शामिल होते हैं बच्चों उनको रोज़ प्रतिदिन अर्थात रोज़ एक भलाई का काम करने के लिए वादा करना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और वह पूरा भी करना होता है इन्हें। अब कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं तथा हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते हैं। अंधश्रद्धा अर्थात बच्चों जैसे कि कोई साधु बाबा हैं वो कह रहे हैं ऐसा करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, तो वो कैसा, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है, तो ये सब चीज़ें वह नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले होते हैं। यह जो बच्चे होते हैं बच्चों बहुत ही मैच्योर होते हैं, या जो टाइम होता है टाइम का समय का पालन करते हैं, जिस समय पे इन्हें बुलाया जाता है कार्य करने के लिए कहा जाता है उसी समय पे यह करते हैं, जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतते। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती हैं, पोशाकें अर्थात कपड़े, अलग अलग जो कपड़े होते हैं उनके जो ड्रेस कोड होते हैं वह अलग अलग होते हैं। अपने गणवेश में लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षित दिखाई पड़ते हैं। गणवेश अर्थात बच्चों मैंने बताया ना यूनिफॉर्म, इनका जो यूनिफॉर्म होता है वह इसमें बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं, आकर्षक मनमोहक मतलब मन मोहने वाले होते हैं। मन से हमको ऐसा लगता है यह कितने अच्छे लग रहे हैं, यह दिखाई पड़ते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता रहता है, आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस उनको, मतलब हाँ मुझे यह कार्य करना है तो मैं करूँगा और वह करते भी हैं, तो उनके चेहरे से आत्मविश्वास झलकता रहता है। तुम भी कब बुलबुल पथक के सदस्य बनकर पदक प्राप्त करो, पदक अर्थात मेडल। तो यहाँ पे यह इनके बारे में बताया गया है कि कब बुलबुल में क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से बच्चों को रहना होता है। चलिए कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लेंगे बच्चों। यहाँ पे प्रतिज्ञा, वादा, आज्ञा, आदेश, हुक्म, आकर्षक, मनमोहक, पदक, मेडल, चिन्ह, जिस पे किसी देवी देवता के चिन्ह हो, या तो आपने देखा होगा मिलिट्री वगैरह में जो दिए जाते हैं तो उस पे भारत का चिन्ह होता है, तो आदि चिन्ह जो होते हैं बच्चों उसे पदक कहा जाता है, मेडल को। पोशाके, कपड़े, पोशाके अर्थात कपड़े, अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं इनके। तो इस पाठ में बच्चों हमने जाना कि कब बुलबुल के जो बच्चे हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं और कैसे साफ सफाई से रहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको जो भी शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं वह पढ़ने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। धन्यवाद।